पार्क सर्कस 1/1 टीसी झौतल्ला लैंड कोलकाता 17। 12 रबी अव्वल ईद मिलादुन नबी के मौके पर एक मजहबी प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें झौतल्ला रोड नूरी मस्जिद के इमाम नैयर साहब और मौलाना मोहम्मद अफरोज भी शामिल हुए थे। इस प्रोग्राम का आयोजन सैयद अलाउद्दीन इरफान हुसैन उर्फ बुल्ला और अख्तर हुसैन पेशो पेश रहे और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल रहे, जिसमें तौसीफ रहमान, मुख्तार अली, एहतशामुल हक, इरफान शेख, अंजुम वारसी, इश्तियाक अहमद राजू, आसिफ खान भी शामिल रहे। यौम विलादत के मौके पर मौलाना मोहम्मद अफरोज ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताया और कहा कि दीन और दुनिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई हुई बातों पर चले ताकि हम लोगों का दीन और आखिरत सवर जाए। सबसे पहली बात, बहुत लायक मुबारकबाद हैं सैयद अलाउद्दीन साहब, जो आमद रसूल के मौके पर अपने घरों को जो है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही मोहब्बत के साथ इन्होंने सजाया। अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए। और तमाम आलम इस्लाम को मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ, आमद रसूल के मुबारक हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये महीना है, ये आमद का महीना है, और इंशाअल्लाह ताला कल बरोज़ मंगल जो 12वीं तारीख है, हर मुसलमान को चाहिए कि इस तारीख में खुशी मनाए, क्योंकि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजना मकसूद पाया तो पूरे दुनिया को सजाया था, पूरे दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने सजाया, फरिश्तों को भेजा, ज़मीन व आसमान को सजाया, फिर उसके बाद अपने महबूब को भेजा। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो तमाम फरिश्तों ने खड़े होकर नबी के बारगाह में सलातो सलाम पढ़ रहे थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैके या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैके या हबीब अल्लाह। और जिस ज़मीन पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, वहाँ की बच्चियाँ, वहाँ के लोग, बलगल उला बी कमाल ही, कशफत दुजा बी जमाल ही, हसनत जमी व खिसाल ही, सल्लु अलैहि व आलिही, सब लोग पढ़ रहे थे और दब बजा रहे थे। लिहाजा तमाम मुसलमानों को चाहिए कि इस तारीख में अपने घरों को भी सजाएं और उस दिन, उस तारीख में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें, अपने गरीबों को खिलाएं, अपने दोस्त अहबाब को खिलाएं और गरीबों को कपड़ा बांटें और जाके जो है कम से कम हॉस्पिटल में उनके नाम पे फल वगैरह दें, ताकि आम लोगों को भी, गैर लोगों को भी ये मालूम चले कि आज मुसलमानों के पैगंबर के आने का दिन है, आज जो है मुसलमान के पैगंबर के जन्मदिन का दिन है, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा एक शौक़ है और मुझे बहुत खुशी होती है कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ करना। हालाँकि देखिए, ये दिन जो है हर साल में एक ही दिन आता है, तो मैं सोचता हूँ कि ये दिन में मैं अपने हिसाब से जो भी मेरे पर जितना शौहरत हो, मैं जितना भी लगा लूँ, तो हमारे लिए कम है। बहुत खुशी होती है करने के लिए। आप करते तो इसमें मतलब कि कोई गेस्ट आते हैं? मतलब हमारे यहाँ के सब गेस्ट, जितने बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, जितने सब आते हैं यहाँ पर। क्या क्या करते हैं इस प्रोग्राम में? बस प्रोग्राम में खाना मिलाद शरीफ करते हैं, उसके बाद खाना रहता है, मीठा रहता है, उसके बाद इतनी है। अच्छा, तो मतलब कि कितने गेस्ट आते हैं आपके इस? ये करीबन 700-800 आ जाते हैं। 700-800 गेस्ट आ जाते हैं, तो ये हमेशा हर साल होते हैं। मेरे सामने में मेरे अजीज़ दोस्त इरफान हुसैन जी हैं, जो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। मैं सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इस महफिल में इन्होंने मुझे दावत दिया और बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, और मैं हर साल आता हूँ, हर साल ये मुझे बुलाते हैं, मन से बुलाते हैं। तो आपका सबसे पहले खैर मकदम है मेरे HB न्यूज़ में। और सैयद अलाउद्दीन साहब ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, और हमेशा हम देखते हैं कि आप उनके मामू जान हैं और उनके साथ हमेशा शाना वशाना खड़े रहते हैं, तो आपको कैसा लगता है उनके साथ? मतलब बोलिए। बहुत अच्छा लगता है उनके संग काम करने में, ठीक है, नेक आदमी है, ठीक है, दीन का भी काम करते हैं, दुनिया का भी काम करते हैं। गरीब और अमीर बोल के कोई ऐसा नहीं है, उनके सामने सब एक है, सब नेक, सब एक है, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम किए वो हुजूर का शान में किए हैं, ठीक है, वो हर साल करते हैं, इंशाल्लाह आने वाला दिन में ही भी करेंगे और सामने वाला महीना में भी। फिर हम लोग का नेक्स्ट प्रोग्राम है 11वीं शरीफ, ये पूरा हम लोग का कॉन्सेप्ट फिर चेंज होगा, ये एक दिन का मामला नहीं है, पूरा एक महीना डेढ़ महीने से हम लोग का ये काम चलता है। मेरे सामने में एक और भाई, उनसे भी, भाईजान आपका नाम थोड़ा? मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम साहब का भी मैं ख्याल मकदम करता हूँ अपने न्यूज़ चैनल में, आपको भी इस प्रोग्राम में देख ले, तो क्या कहना चाहेंगे सैयद अलाउद्दीन साहब के बारे में? सैयद अलाउद्दीन साहब के सामने में जो भी बात रखेंगे वो कम पड़ जाएगा,
इसलिए कि वो हर एक इंसान से मोहब्बत करते हैं और उनका मोहब्बत में कोई चीज़ का गरीब अमीर देख के कमी कभी हम लोग अपने नज़र से नहीं देखे। मैं पड़ोसी वाले हूँ, मैं पड़ोस में रहता हूँ, जितने भी निबोरियर्स हैं, बाहर वाले हैं, मिनिस्टर हैं, सभी के संग इनका इतना अच्छा इखलाक है, ये इतना अच्छा इखलाक से आदमी से बात करते हैं। देखिए खाने के वक्त में भी आप जितने होंगे यहाँ पर तो देखे होंगे, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, जो टेबल में बैठ गया है सब उसी के संग में बैठकर उठना होगा, या वो मिनिस्टर हो या वो बहुत नीचे का हो, कोई भी इंसान हो, ये इतना अच्छा इंसान है, इनमें कोई चीज़ का कमी हम लोग को आज तक नज़र नहीं आया। सबसे मोहब्बत देते हैं, सबसे प्यार करते हैं और सबको चाहते हैं कि मिल बांट के हम लोग सब काम करें। वो करते भी हैं तो बोलते हैं कि आप लोग हमारा संग में रहिए, हम अच्छा से अच्छा और करें, और हुजूर पाक के बहुत मोहब्बत करते हैं और ये पैगाम भी देते हैं कि हम करते हैं तो आप लोग भी हिम्मत कीजिए, आप लोग भी करने का कोशिश कीजिए। ये बहुत अच्छा लगता है उनका, बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, आप पकड़ लेते हो, चलो इन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। मैं तो पहली बार आया हूँ इस बार, देख करके मैंने पूछा ही कितने, एक दो दिन की ये मेहनत नहीं है, काफ़ी दिनों की इन्होंने बताया, बहुत अच्छा मेहनत है ये, बस और क्या।